हाय फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये दिवाली जो हो वो आपके लिए धन संपत्ति सुख सुविधाएं स्वास्थ्य और सारी जो भी आपकी मनोकामना है वो पूर्ण करें। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो दीपावली है, कल ही दीपावली है और कल के दिन जो विशेष तौर पर लक्ष्मी पूजन होता है उसके लिए कौन सा शुभ मुहूर्त है, किस शुभ मुहूर्त के बीच में आप लक्ष्मी पूजन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे, कौन सा ऐसा एक मंत्र है, कौन सा ऐसा गुण मंत्र है जिसे यदि आप करते हैं विशेषकर दीपावली या लक्ष्मी पूजन के समय, तो आप पर मां लक्ष्मी की कृपा निसंदेह बरसेगी और पूरे साल भर बरसेगी। और इसी के साथ साथ एक और शंका कि भैया दीपावली के दिन तो भगवान श्री राम जो हैं वो वनवास काटकर अपने देश को, अपने शहर को, अपनी अयोध्या को वापस लौटे थे, उनकी खुशी में, उनके आने की खुशी में दिए या दीपक जलाए जाते हैं, मां लक्ष्मी का पूजन किया जाता है, यह भी एक कई लोगों के बीच में संदेह है। इस संदेह को भी मैं यहां पर दूर करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले तो इसी विषय पर चर्चा करते हैं कि भैया दीपावली है, भगवान श्री राम घर आते हैं, भगवान श्री राम अयोध्या आए, इतने सालों का वनवास काट करके माँ सीता आई, भगवान श्री लक्ष्मण जी आए, साथ में हनुमान जी महाराज और भी जो वानर सेना रही, भगवान राम श्री राम जी के जो भक्त रहे वो लोग भी आए, तो भगवान श्री राम जी की मूर्ति, भगवान श्री राम जी की फोटो तो अधिकतर के घरों में नहीं दिखती। तो हाँ, ये एक दुर्भाग्य है कि दीपावली के दिन भगवान श्री राम जी की फोटो, सीताराम दरबार जो है वो अधिकतर घरों में, कई लोग भगवान श्री राम का पूजन करते हैं लेकिन अधिकतर लोग भगवान श्री राम का पूजन नहीं करते, माँ लक्ष्मी का ही पूजन करते हैं। माँ लक्ष्मी का पूजन होना चाहिए, उसके विषय में मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं। लेकिन चूंकि भगवान श्री राम के आने की खुशी पर इतने दीपक जलाए जाते हैं, आजकल तो जो लाइटिंग्स वगैरह हो गई हैं घर पर, सीरीज वगैरह लगाई जाती हैं, तो वो भी सिर्फ भगवान श्री राम के आने की खुशी में ये सब चीज़ें या जिसे कहते हैं उजाले का त्यौहार जो था वो शुरू किया गया था यहाँ पर, तो हम उनके आने की खुशी में ये त्यौहार मनाते हैं। इस वजह से भगवान श्री राम जी की पूजा भी करनी ही चाहिए। लेकिन भाई माता जो लक्ष्मी है उनकी पूजा कैसे शुरू हो गई, उनकी पूजा क्यों की जाती है दीपावली के दिन, तो मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि आप सभी ने एक शब्द सुना होगा, समुद्र मंथन। जी हां, ये जो समुद्र मंथन जो हुआ था वो दानवों, दैत्यों और साथ ही साथ देवों के बीच में हुआ था। इसमें कई चीजें निकली थी, कई बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी थी, कई बहुत खराब खराब चीजें भी थी, उनमें से एक जो है वो माँ लक्ष्मी भी निकली थी, माँ लक्ष्मी का भी जन्म हुआ था इसी समुद्र मंथन के द्वारा, इसी समुद्र मंथन में। और कई विद्वानों की मान्यता ये है कि समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी इस दीपावली के दिन ही जन्म ली थी। तो चूंकि माँ लक्ष्मी का जन्म दीपावली के दिन, इस अमावस्या के दिन हुआ था, इस वजह से दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। कई विद्वानों की मान्यता यह भी है कि शरद पूर्णिमा के दिन भी माँ लक्ष्मी जो है उनका अवतरण हुआ था, उनका जन्म हुआ था, लेकिन दीपावली पूजन ज्यादा तौर पर लक्ष्मी पूजन के रूप में ही मनाया जाता है और ज़्यादा विद्वानों का मानना यही है कि दीपावली के दिन ही माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था, दीपावली के दिन ही माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन से निकली थी। तो इस खुशी में या फिर माँ लक्ष्मी को पाने की इच्छा में सारे लोगों द्वारा, हम सारे बच्चों के द्वारा माँ लक्ष्मी की पूजा इस दिन विशेष तौर पर की जाती है। लेकिन साथ ही साथ भगवान श्री राम जी की, माता सीता की या राम दरबार, जिसे एक शब्द में कहूँ तो राम दरबार की पूजा भी की जानी चाहिए। ये मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट यहाँ पर करूंगा। एक और बात आपसे कह दूं, एक सामाजिक तौर पर, एक नैतिक तौर पर एक बात कहना चाहता हूं कि जो भी दिए वाले होते हैं ना, हम दिए लगाते हैं दीपावली के दिन, दिए वाले जो होते हैं ना, यदि थोड़ा सा आपको लगता है कि थोड़ा सा महंगा आपको लग रहा है, कोई और सस्ता दे रहा है आपको यहाँ पर महंगा लग रहा है, तो ज़्यादा बार्गेनिंग ना करें। दिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया का एक हो सकता है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, पूरी दिवाली आपको वो जगमगाएगा। तो 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया एक दिया कहीं दे भी आप देते हैं उस गरीब को, उस गरीब कुम्हार को, क्योंकि अधिकतर जो कुम्हार होते हैं, जो दिए बेचने वाले होते हैं, वो गरीब होते हैं, तो यदि आप उनको थोड़ा सा दे भी देते हो तो ये समझो यार 10-50 रुपया मैंने अपनी जेब से इनको ज़्यादा दे दिया, तो थोड़ा सा ज़्यादा दे सकते हैं। हाँ, कई बार ऐसा होता है, कई बार अपवाद की स्थिति बन जाती है कि
कुछ लोग ऐसे होते हैं, हर जगह पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लूटपाट भी मचाते हैं, लेकिन ये कुम्हारों में अधिकतर ऐसा नहीं होता। लूटपाट ये दिए के रूप में ज्यादा नहीं मचाई जाती, कुछ जगह होती है जहां पर आपको लगता है तो ऑब्वियसली वहां से दूरी बनानी चाहिए, लेकिन अधिकतर ऐसा होता है कि लोग गरीब होते हैं, उन्हें यदि 2-4 रुपए ज्यादा मिल भी गया तो कोई बहुत दिक्कत नहीं होगी और बहुत ज्यादा रुपया वो कमाएंगे नहीं आपसे। भाई आप कितने के दिए लेंगे, 50 रुपए के, 100 रुपए के, और कितने के दिए लेंगे। दूसरा, आप जो है वो दीपावली के दिन कितना ज्यादा खर्चा कर देते हैं, आप पटाखे पर खर्चा कर सकते हैं, अपने कपड़ों पर खर्चा कर सकते हैं, आप मिठाइयों पर खर्चा कर सकते हैं, ढेर सारी चीजें हो सकती है, घर को पुताई पेंट करवाने में, ये सारी चीजें जरूरी है, मैं मानता हूँ जरूरी, लेकिन थोड़ा सा उनको ज्यादा आप दे दीजिए, ये मेरी नैतिक गुहार थी आप लोगों से। इसी के साथ साथ अब मैं आपको मुहूर्त बताने जा रहा हूँ कि इस दीपावली पर जो 7 तारीख को है, कल है 7 अक्टूबर पे, माफी चाहूंगा 7 नवंबर पे, 7 नवंबर 2018 को ये जो दीपावली है इसके बारे में इनका शुभ मुहूर्त मैं आपको बताने जा रहा हूं। और इनके जो लक्ष्मी पूजन का जो शुभ मुहूर्त है वो है 7 नवंबर को शाम के 7:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक, शाम के 7:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक आप माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना कर सकते हैं, लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं और दीपावली को बहुत अच्छी तरह से, खुशहाली की तरह से मना सकते हैं। ये आपके लिए शुभ मुहूर्त था माँ लक्ष्मी के पूजन का। जो लोग ज़्यादा देर हो जाते हैं, जिनकी दुकानें होती हैं देर हो जाते हैं, तो 12 बजे तक का भी शुभ मुहूर्त यहाँ पर सामने आता है, 7:30 बजे भी है। इसी के साथ साथ मैं एक मंत्र आपको बताने जा रहा हूँ, यदि वो मंत्र आप कर लेते हैं इस दीपावली पूजन या जो लक्ष्मी पूजन के समय में, यदि उस मंत्र को कर लिया जाता है तो यकीन मानिए माँ लक्ष्मी की जो कृपा है वो साल भर आप पर बनी रहेंगी और माँ लक्ष्मी बड़े ही प्रसन्नता के साथ, बड़ी ही खुशहाली के साथ, बड़ी समृद्धि के साथ आपके घर में विराजमान हो जाएंगी इस दीपावली से। अब वो मंत्र क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ओम ह्रीम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात। ये जो मंत्र है ये आप शाम के समय लक्ष्मी पूजन के समय इस मंत्र का आप उच्चारण करें, 108 बार भी इस मंत्र का उच्चारण आप कर सकते हैं, जाप आप कर सकते हैं और यकीन मानिए ये जो मंत्र है ये आपको बहुत ज़्यादा समृद्धि देगा। शाम के समय लक्ष्मी पूजन के समय कीजिएगा। मैं एक बार और इसका उच्चारण कर देता हूँ। इसी के साथ साथ आप जो है इस मंत्र को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ पाएंगे। आपको यदि लिखित में चाहिए तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये मंत्र मिल जाएगा। फिर से उच्चारण कर देता हूँ। ओम ह्रीम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात। तो दोस्तों ये लक्ष्मी प्राप्ति के लिए मंत्र था। मुझे उम्मीद है कि ये जो वीडियो था ये आपके लिए जानकारी से भरा हुआ होगा। मुझे विश्वास है कि आप इसे शेयर भी करेंगे ताकि दूसरों तक भी ये बात पहुंच सकती है, कुछ कन्फ्यूज़न भी जो मैंने दूर किया वो भी पहुंच सकती है, कुछ मेरी नैतिक गुहार थी वो भी दूसरों तक पहुंच सकती है। तो आप इसे शेयर भी कीजिए, यदि आपको पसंद आता तो लाइक भी कीजिए। आने वाले वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे ज्योतिषीय कुछ और क्वेश्चंस के साथ, कुछ और आंसर्स के साथ, कुछ क्वेश्चन जो आपने पूछे होंगे, कुछ आंसर्स जो मैं आपको दूंगा, जैसे सवाल जवाब का एपिसोड चल रहा है और भी कुछ दूसरी चीज़ें हो सकती हैं जिनके साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।